जार बोम्बा, जिसका एक्सप्लोजन हिरोशिमा अटैक से 3,800 गुना ज्यादा बड़ा था, जो सोवियत यूनियन ने 1961 में कोल्ड वॉर के दौरान बनाया था। 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक ओशियन में हुए इसके टेस्ट में 50 मेगाटन टीएनटी से भी ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट पैदा हुआ, जिससे उत्पन्न हुए भूकंप के झटके ने पृथ्वी के पूरे 3 बार चक्कर लगाए थे और 400 किलोमीटर तक बिल्डिंग की खिड़कियां टूट गई थी। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट था, पर आपको जानकर और भी हैरानी होगी, इसका रियल पोटेंशियल 100 मेगाटन तक था, पर इसका टेस्टिंग सोवियत यूनियन के साथ उनके पड़ोसी देशों के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता था। पर ये सब के बाद भी वह जार बोम्बा का यूज कभी नहीं कर पाए, क्योंकि इसके साइज के कारण इसको मिसाइल की जगह एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट करके यूज करना पड़ता था, जिसको दुश्मन टारगेट पर पहुंचने से पहले ही रोक देंगे।